पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो कि मैच चालू होने वाला है भाई आज से रात में, मैच है 8:30 बजे लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। देखो भाई विकेट कीपर में आजम खान खेलता है तो इम्पोर्टेंट है, वही जैसे आपको पता है कि पांचों छठे बैटिंग करेगा प्लस विकेट कीपिंग करेगा, आपको 30 पॉइंट तो हर मैच में मान के चलो और 30 से ज़्यादा भी दे सकता है। जो क्रॉक्स अभी रिसेंट फॉर्म में थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस है, मारता भी है नहीं मारता, इसलिए मैं आजम खान को ज़्यादा प्रेफर दे रहा हूँ। राजा बख्शा ये भी थोड़ा अटैकिंग प्लेयर है, हिटिंग के लिए जाना जाता है, खेलता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट डाउन या चौथे में खेलता है और छक्के चौके में डील करता है। शे होप खेलता है तो एक से लेके चौथे में खेलता है तो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको इनिंग बिल्ड करने में मज़ा आता है और टेक्निक प्लेयर है, बहुत कम ही आउट होता है, तो कम से कम इसका 30 से पॉइंट मान के चलो हर मैच में। और अपने पास टक्टर है, टक्टर भी बहुत शानदार प्लेयर है और अच्छा विकेट कीपर और बैटिंग भी अच्छा करता है, फरहान भी अच्छा बैट्समैन है, तो इनका बैटिंग ऑर्डर खेलना अभी कंफर्म नहीं है। जो मुझे मुझे लग रहा है दो प्लेयर खेल सकते हैं, एक आजम खान या सेहोफ या राजा बख्श, इन तीनों में से कोई खेल सकता है। फिलहाल तो मैंने एक ही लिया विकेट कीपर से। और भाई एलेक्स हेल्स भाई बहुत ही तगड़े फॉर्म में है, अभी बांग्लादेश में भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग में भी अच्छी बैटिंग करके गया, तो लेना ही लेना। फ़खर जमान नेट में मैं देख रहा था, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहा था, प्लस न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की थी T20 में। कोनिन मनरो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है और अभी खेल ही रहा है। अब्दुल्ला शफीक भाई ये भी बहुत तगड़ा बैट्समैन है, ओपनिंग करता है प्लस टेक्निक बैट्समैन है, चौके छक्के में भी डील कर लेता है, अच्छी बात है और टेक्निक बैट्समैन है इसलिए मैं ले रहा हूँ। वैंडूस है भाई साउथ अफ्रीका लीग से आ रहा है भाई, बहुत ही तगड़े फॉर्म में और क्या क्या शतक 50-60 हर मैच में परफॉर्मेंस करके दे रहा है, तो खेलेगा तो मैं पिक करूँगा और शानदार प्लेयर है। हैदर अली, अब ये हैदर अली वही बैट्समैन है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, उतना खास नहीं है। एम ताहिर बेक ये भी थोड़ा ठीक ठाक बैट्समैन है, अभी तो मैं उतना प्रेफर नहीं दे रहा क्योंकि मुझे लग नहीं रहा खेलेगा। के गुलाम भाई ये भी चौथे में बैटिंग करता है, प्लस 1 से 2 ओवर देगा और बैटिंग भी शानदार करता ही है। मोहम्मद वसीम अभी इंटरनेशनल प्रीमियर लीग में 3-4 मैचों में अच्छा बैटिंग कर रहा था, अभी एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है मगर बैट्समैन बहुत ही तगड़ा है। क्यू अकरम भाई ये भी ऑलराउंडर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है और अच्छी बैटिंग करता है प्लस बॉलिंग भी कर देता है। एस हुसैन भी ठीक ठाक है, इसका मैंने उतना रिकॉर्ड सुना नहीं, तो अकरम और गुलाम या मोहम्मद वसीम में से कोई, तीनों में से कोई खेलता है तो इम्पोर्टेंट। ऑलराउंडर भाई शादाब खान चौथे बैटिंग करेगा, 4 ओवर डालेगा, रिसेंट फॉर्म T20 में बिल्कुल घटिया है मगर ये कप्तान का दावेदार है, क्यों दावेदार है, चौथे बैटिंग प्लस बॉलिंग नाना करते 30 से 50 पॉइंट देके जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान लीग में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस कर ही जाता है। ईमान वसीम खेलता है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका लास्ट सीजन बहुत ही शानदार गया था, प्लस बैटिंग प्लस बॉलिंग बहुत ही तगड़ा। डेविजी भाई ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है और गेंदबाजी तो आपको पता ही है, कटरे डालता है और कटरे में क्या होता है कि इसके भी एवरेज पॉइंट 30 से 40 पॉइंट मान के चलो क्योंकि एक विकेट प्लस थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, तो इसलिए 30 से 40 पॉइंट मान के चलते हैं। सिकंदर राजा खेलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रीसेंट फॉर्म बहुत ही तगड़ा है बैटिंग प्लस बॉलिंग से, वो लास्ट टाइम भी पाकिस्तान के लिए अच्छा करके गया था। फहीम भाई फहीम भी थोड़ा ठीक ठाक है और बैटिंग प्लस ये भी बॉलिंग करता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ठीक ठाक हिटिंग कर रहा था, छक्के चौके में डील कर रहा था, तो ये भी खेलेगा तो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऑलराउंडर हैं और देखना पड़ेगा किसको लेना है किसको नहीं लेना, जो खेलेगा उसको लेंगे। आगा सलमान इंटरनेशनल खेल रहा था, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर रहा था प्लस बैटिंग पांचवें छठे पे हिटिंग मारता है, तगड़े तगड़े हिट मारता है। डी लॉरेंस भाई खेलता है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेलता है, 1 से 4 के बीच में खेलता है, प्लस 1 से 2 ओवर डालते हुए भी दिख जाएगा खेलता है तो। और ए हफीज़ कोई है कोई मैं जानता नहीं, इन दोनों को जानता नहीं इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा। शाहीन अफरीदी लेना ही लेना है क्योंकि भाई बैट यहाँ पे भी बैटिंग इसको प्रमोशन मिल जाती है, चौथे पांचवे पे बैटिंग आ जाता है, खुद कप्तान है प्लस बॉलिंग तो आपको पता ही है, मतलब कप्तान भाई इसका ये भी दावेदार है। नसीम शाह ये भी भाई बहुत तगड़ा गेंदबाज है, 1 से 2 विकेट। हैरी श्रॉफ मतलब गेंदबाजी की तो पाकिस्तान में कमी नहीं है भाई, इतने तगड़े तगड़े गेंदबाज है। जमान खान अब देखो भाई लाहौर के पास है शाहीन अफरीदी, हैरी श्रॉफ, जमान खान और क्या एम ईमान, जे खान, एच हुसैन, मतलब इतने तगड़े तगड़े गेंद, उमेर हुसैन, मतलब एक नसीम शाह के 3 भाई उठा रखे हैं एक मैच में। फ़िलहाल तो भाई जमान खान भी इम्पोर्टेंट है,
भाई ये तीनों खेलेंगे तो तीनों लोगों, बाकी टेविस मिल्स भी खतरनाक है, ओकाओ री इमान फुटिंग, फुटिंग भाई ऐसा है कि ये बैटिंग भी कर लेता है थोड़ा, खेलेगा तो मैं इस पर ज़्यादा प्रेफर दूंगा। और जे खान, एच हुसैन, टी अब्बास, उमेर शाह, एस खान, मतलब बहुत सारे गेंदबाज हैं फिलहाल तो मेरी ये टीम है जो कि मुझे लग रहा है खेलते हैं। तो कप्तान तो मैंने शादाब खान बनाऊंगा, या मैं सिकंदर रजा खेलेगा सिकंदर रजा बना लूँगा, और रिसेंट फॉर्म शादाब से बढ़िया सिकंदर रजा की है। और वाइस मेरा सिकंदर रजा खेलेगा तो ईमान वसीम या शादाब खान बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं अभी सिकंदर रजा कप्तान, वाइस शादाब खान, ईमान वसीम भी बना सकता हूँ। आजम खान है, एलेक्स हेल से फ़खर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, शादाब खान है, ईमान है और सिकंदर रजा है, और शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हैरी सरफ, जनाम खान। फिलहाल फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना, मिलते हैं आपको मैच के टाइम।